वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आप अपनी बात पूरी करिए पहले, तो उसके बाद आपसे मैं सवाल करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इस बीच आपको बता दें कि राजभवन जहां पर इस वक्त शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, वहां एक एक करके सिंधिया खेमे के और साथ ही शिवराज सिंह चौहान खेमे के विधायक एक एक करके शपथ रहे। राजेश बादल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेश जी, आप अपनी बात पूरी करिए। आप बता रहे थे कि किस तरीके से ये कोविड के समय में शपथ ग्रहण किया जा रहा है, क्या मैसेज देने की कोशिश है, क्योंकि दोनों ही खेमों की तरफ से कहा गया कि सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ भी असंतोष नहीं है विधायकों के बीच में, मंत्रियों के बीच में, क्या वाकई ऐसा है? देखिए, जो पहली बात आपने कही कि कोविड के वक्त अगर ये शपथ समारोह हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं। सब कुछ ठीक ठाक इसलिए नहीं है क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में जिन लोगों ने शपथ ली है, अभी लेते जा रहे हैं, उन लोगों को अभी चुनाव के मैदान में उतरना है, अभी वे विधायक नहीं हैं। तो हम सब जानते हैं कि आम चुनाव में जिस तरह से आचार संहिता का मतलब होता है, उपचुनाव में बहुत उस तरह से सख्ती नहीं होती। तो जब सिंधिया के समर्थक ये विधायक जाएंगे चुनकर मंत्री के रूप में, तो कहीं उनके जीतने की संभावनाएं वो ऐसा सोचते हैं शायद बढ़ जाती हैं और मंत्री के रूप में वो अपने मतदाताओं के बीच में जाएंगे, लेकिन फिलहाल वो विधायक नहीं है और उन्हें सबसे पहले जीतना जरूरी है और इसीलिए कोविड के समय में उनको मंत्री बनवाना जरूरी हो गया था ताकि उनको चुनाव जीतने में सहायता मिल सके। लौटेंगे आपके पास बादल जी और सवालों का सिलसिला आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार राजभवन से, जहां सुबह ठीक 11 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू हुआ। ऐसे में कई प्रमुख चेहरे शिवराज सिंह चौहान खेमे के और कई चेहरे ऐसे भी माने जा रहे हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के हैं और उन्हें जगह दी जा रही है इस मंत्रिमंडल में। लेकिन अप्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं भोपाल से, और अभी भाजपा से जो नेता हैं वो बीजेपी में जो पुराने चेहरे रहे हैं उन्होंने शपथ ली, लेकिन जल्द ही सिंधिया खेमे से जिनकी एंट्री हो रही है वो भी शपथ लेंगे। राजेश जी, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, यशोधरा सिंधिया, विजय शाह, जगदीश देवड़ा, ये शपथ ले चुके हैं अब तक। इन चेहरों के आने से मंत्रिमंडल कितना मजबूत होता है? और एक अहम सवाल मैं ये भी जरूर आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरह से सिंधिया खेमे की एंट्री अब कैबिनेट में हो रही है, आने वाले दिनों में ये मध्य प्रदेश में राजनीति किस तरह से जो है करवट लेगी? देखिए, आपकी पहली बात का उत्तर तो ये है कि जो जिन चेहरों ने अभी तक शपथ ली है वो वास्तव में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में बहुत वरिष्ठ और पुराने चेहरे हैं। तो इन चेहरों की उपेक्षा करके और कोई मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन नहीं सकती। ये खांटी जमीनी नेता हैं, तो इसका लाभ तो मध्य प्रदेश में सरकार को मिलेगा, एक बात। दूसरी बात जो आपने सिंधिया वाली कही है, यह एक मंत्रिमंडल विस्तार के बाद शिवराज सिंह चौहान के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनने वाली है, क्योंकि अभी तक भी हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद जब भी सिंधिया समर्थक विधायकों की बात आती है तो उनको सिंधिया से टैग करके जोड़ा जाता है, सिंधिया से क्लब करके देखा जाता है, उनको भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं कहा जाता। जब भी उनकी बात होती है वो सिंधिया समर्थक शब्द लग जाता है। आज ही हमने देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के साथ जो बैठक हुई उसमें सिंधिया मौजूद थे और केवल वो 22 विधायक उनसे मिलने पहुंचे जो सिंधिया के समर्थक थे। तो इसका अर्थ ये है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और सिंधिया के समर्थक तेल और पानी की तरह है, जिनका कभी संगम हो नहीं सकता। चुनाव के बाद पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी जरूरत है वो सिंधिया के समर्थकों को पार्टी के अंदर आत्मसात करें। दूसरी बात यह है कि जो तीन पीढ़ियां भारतीय जनता पार्टी की ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस का विरोध करते आ रही थी, अभी भी उनकी नाराजगी दूर नहीं हुई है। तो उन पीढ़ियों को साथ लेना, और उनमें कई बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे हैं जो सिंधिया समर्थकों का भारतीय जनता पार्टी में आना
अच्छा नहीं मान रहे हैं, तो उनकी नाराजगी अभी बनी हुई है। ये दो बड़े परिणाम या चुनौतियां शिवराज सिंह चौहान के लिए हैं।